बात बार बार कही जाती है कि जेएनयू में मतलब लोग गुलचर्रे उड़ाते हैं, मजे करते हैं, इसीलिए आप फीस बढ़नी चाहिए, ऐसा आपको क्या लगता है? क्या पहली बात तो मुझे नहीं समझ में आता इसका डेटा कहाँ से मिला, जो जेएनयू के बाहर से हैं वो लोग कैसे जान रहे हैं कि अंदर क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, आप गुलचर्रे किसे कहते हैं? दो जेएनयू में एडल्ट्स पढ़ते हैं, बच्चे नहीं, वो स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी है। दो कंसेंटिंग एडल्ट्स जिन जो आपसी सहमति से कुछ भी करते हैं, चाहे वो एक साथ सेक्स करते हो या किस करते हो, इसे आप गुलछर्रे का नाम देते हैं, ये आपकी खुद की सोच का परिचायक है, कोई भी उसको गुलछर्रे कह नहीं सकता। दूसरी बात कि शिक्षा से उस चीज़ को मिलाना, अगर ऐसा है तब तो जेएनयू बंद ही कर देना चाहिए था, अगर जेएनयू हमारी संस्कृति के इतना खिलाफ है, लेकिन आप फ्री हाइक करके क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ गरीब तबके को उससे दूर रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ अमीर गुलछर्रे उड़ा सकते हैं? अच्छा बात बताइए, जो बार बार ये बात कही जा रही है कि जो वहाँ पे पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा उम्र के होते हैं, यानी उनकी एज बहुत ज़्यादा होती है, लोग टैक्स जो होता है इस पर ये लोग पढ़ते हैं, और 20-25 साल के बच्चे कमा करके टैक्स देते हैं, जैसे श्वेता सिंह ने आज तक की जो एंकर उन्होंने कहा था, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो कि उन्हें शायद ये नहीं पता कि PhD करने में कितना समय लगता है, सबसे बड़ी तो जानकारी की कमी है उनकी। दूसरी चीज़ ये है कि बचपन से हमें ये सिखाया गया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, आज ये पढ़ने की उम्र पर बंदिशें लगा रहे हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में कि सीखना जिंदगी भर चलता है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि एक उम्र तक पढ़ना चाहिए आपको करना। दूसरी चीज़ कि जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो वो टैक्स से बहुत ज़्यादा दे के जाता है इस समाज को। PhD की एक रिसर्च समाज के बहुत काम आती है, चाहे वो सोशल साइंसेस में हो या साइंस में हो या इन्वायरमेंट पे हो, उन रिसर्चेस के बल पे आगे नीतियाँ बनती हैं। तो सिर्फ टैक्स ही एक तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं है जो हम समाज को दे सकते हैं, और भी तरह के योगदान हैं जो दिए जाते हैं, और पढ़ाई करके उसमें योगदान देना उससे कहीं बेहतर योगदान है। मतलब टैक्स लेकर आप जो पढ़ते हैं वो तो लोगों का योगदान होता है, लेकिन आप भी उसमें ज़रूर योगदान देती है। जी, तो यही कहने का मतलब है मेरा कि आप इसको, एक तो पहली बात की टैक्स पेयरोक्रेसी नहीं चलेगी, सबसे टैक्स पेयर टैक्स हर कोई दे रहा है इस देश में, इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है। जब हम एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट खरीदते हैं तो हम उस पर कर देते हैं, हर कोई कर देता है, लेकिन कर देने का मतलब ये नहीं कि आप तय कर सकेंगे कि आपका पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा, वो इस देश के संविधान के अनुसार, इस देश के प्रियम्बल के अनुसार, और उस देश के प्रियम्बल में बहुत साफ साफ लिखा है कि हम एक सोशलिस्ट सेक्युलर कंट्री हैं। हमारे डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का शिक्षा देना कर्तव्य है। आप उस बात को इससे नहीं कह सकते कि हम टैक्स देते हैं तो अब हम संविधान बदल सकते हैं, ये इस देश की बेसिक जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसी के खिलाफ है। अच्छा, तो सवाल ये भी उठता है ना कि फीस बढ़ा करके आखिर सरकार क्या करना चाहती है? सिर्फ JNU में फीस बढ़ा रही है या और भी दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ भी बढ़ा रही है? JNU में फीस बढ़ाना तो अभी का फेनोमेना इमीडिएट है, जिसके प्रति ये रिस्पॉन्स आया है, लेकिन ये फीस बढ़ना बहुत समय से चल रहा है। IITs में फीस बढ़ी है, फेलोशिप कम हो गई है, मास्टर MPhil और PhD के स्टूडेंट्स को फेलोशिप नहीं मिल रही है, उत्तराखंड के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं PhD के खिलाफ। ये है कि JNU ज़्यादा यूनाइटेड है, ज़्यादा प्रखर है और सामने आ पाया, और बहुत अच्छी बात है कि JNU के बहाने औरों की भी बात सामने आ पा रही है, पर ये निजीकरण का सिर्फ एक स्टेप है। निजीकरण पूरी तरह हर जगह शिक्षा में किया जा रहा है, और इसका सीधा इंडिकेटर है कि जो निचले तबके का आदमी है वो शिक्षा तक ना पहुंच पाए, वो वर्किंग क्लास का ही रहे, वो व्हाट्सएप मैसेज से ज्ञान लेता रहे और वोट देता रहे, वो कभी सीखे ना। अगर वो समाजवाद की 4 किताबें पढ़ लेगा तो वो नहीं सुनेगा जो कि सब कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी मैम। JNU में फीस बढ़ाई गई है तो आप क्या समझते हैं कि JNU की फीस किस वजह से बढ़ाई गई, सरकार आखिर चाहती है? वही बात है कि सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी अपने लिए सोचे, अपने लिए समझे, सवाल पूछे, कोई भी किसी बात पे अपोज कर सके। जो हमारी पढ़ाई के, हमारी नौकरियों के, हमारी ज़िंदगी के मुद्दे हैं उन्हें इग्नोर करके हम आइडेंटिटी के, धर्म के, मंदिर मस्जिद के मुद्दों में ही फंसे रह जाए, यही चाहती है सरकार, इसीलिए नहीं चाहती है लोग पढ़े। मतलब जो पढ़ते हैं वो सवाल करते हैं, जो पढ़ते हैं वो सवाल करते हैं, वो खुद के लिए पूछते हैं, लोगों के लिए पूछते हैं, और वो नहीं चाहती है ये सरकार। मतलब JNU में ही क्यों ऐसा हो? क्योंकि JNU एक जगह रही है जहाँ पे लोगों ने अपने लिए सवाल पूछे हैं, जहाँ पे लोग, और वो खासकर इस समय जो हो रहा है वो तो JNU को एक मुद्दा बना के उसे सिर्फ बुनाने की कोशिश की जा रही है। पूरे देश में पब्लिक एजुकेशन के खिलाफ ये चल ही रहा है, लगातार फीसेस बढ़ाई जा रही है, पर क्योंकि JNU बहुत पोलराइजिंग जगह है, लोग उसके बारे में एक ओपिनियन बनाते हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल करके सरकार अपना ही फायदा बनाने की कोशिश कर रही है। बस हो गया, आइए।
वेल ऑफ कोर्स लाइक न्यूज़ में पूरी डिटेल बताई नहीं गई, सिर्फ ये बताया गया कि 10 रुपये देते हैं और अब 200 रुपये दे नहीं पा रहे, बट द टोटल रियल डील इज़ कि उनकी फ़ीस एटलीस्ट 50% बढ़ चुकी है, जो पहले 5,000 देते थे अब 12,000 कुछ देंगे। तो ये शोकेस नहीं किया गया, सिर्फ ये डिटेल्स बताया कि 10 रुपये से 200 रुपये नहीं दे पा रहे। अच्छा, यहाँ पर लिखा है स्टैंड विद JNU, तो आप जो JNU के बच्चों पर हमला हुआ था, पुलिस ने तरह से लाठीचार्ज किया था, वो हमला ही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे बस लगता है ये शोषण है, अत्याचार है, जो भी वो अपना हक मांग रहे हैं उनके साथ खड़े हैं, और इसीलिए ये बात, इसलिए इतने लोगों का आना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो जो व्हाट्सएप मीडिया है वो आपके दिमाग में एक मिथ्या बनाती है कि इसके सपोर्ट में कोई है नहीं, चलते रहिए। तो JNU में ऐसा सब कुछ हो रहा है, बावजूद इसका आप देखिए सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सुनाई नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि JNU में पिछले करीबन 30 दिन से या 25 दिन से हड़ताल हो रहे हैं, मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार उनकी मांगों को मानने के तैयार नहीं। इंकलाब जिंदाबाद। तो देखिए ये सरकार की ट्रेट है, इसने सारे प्रोटेस्ट को खाली उसकी आवाज बंद की है। आई थिंक अभी सोचने की जरूरत है कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, सरकार से सवाल पूछने कि अभी अभी समय है, इसके अलावा नहीं। काम करता हूँ, फोटो लीजिए, फोटो लीजिए, वीडियो वीडियो वीडियो। देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताजा तरीन खबरों और मजामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।